दोस्तों, अगर आप भी दादर स्टेशन के सामने रूम लेना चाहते हैं, मुंबई दादर स्टेशन दादर टर्मिनल के पास, यहाँ पे देखिए सामने लॉकर भी है जहाँ पे ब्लू कलर का दादर लिखा हुआ है, उसी का ठीक सामने लॉकर रूम है। सबसे पहले ये देख लीजिए। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आप CST जा सकते हैं। CST और मुंबई सेंट्रल में आपको कूप या कैप्सूल मिलेगा, उसमें आप स्टे कर सकते हैं, जो कि 700-800 को पड़ेगा। और अभी मैं बता रहा हूँ, वो दो लोग चार लोग की जगह आते हैं तो उनके लिए चीपेस्ट मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, दादर स्टेशन के ठीक सामने वॉकिंग डिस्टेंस। ये देखिए, ये क्लॉक रूम है, यानी कि यहाँ पे जो है क्लॉक रूम है। क्लॉक रूम का जो टाइमिंग है वो 24 घंटा खुला हुआ है। दादर टर्मिनल देखिए जो लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले बता दूँ, ये जो लिखा है ठीक, इससे आपको सीधा जाना है। इस लिखावट के पास से आप सीधा जाएंगे तो लेफ्ट साइड एक रास्ता मिलेगा, उस रोड में नहीं जाना है, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ये देखिए, जहाँ दादर टर्मिनल लिखा हुआ है, आप कहीं से भी निकलते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उधर से निकलेंगे आप, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा जहाँ पर दादर टर्मिनल लिखा हुआ है, इसके ठीक आपको सीधा चल के जाना है। सीधा जब आप चल के जाएंगे तो पहला लेफ्ट नहीं, दूसरा लेफ्ट में आप जब मुड़ेंगे तो ये रास्ता आपको मिलेगा, दूसरा लेफ्ट में ये रास्ता है। और यहीं पे एक होटल है जो कि चीप एंड बेस्ट है, वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। मैं पूरा डिटेल्स इसमें दे दे रहा हूँ ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या फिर कभी घूमने जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इस होटल में रुक सकते हैं। चार लोग इस होटल में अगर रुकते हैं तो भी उनका किराया पड़ेगा 1500, अगर दो लोग रुकते हैं तो पड़ेगा किराया जो है 1000 के आसपास। इसी तरह का रूम है और बढ़िया रूम है, क्लियर रूम है और क्लीन है। देखिए ये देख लीजिए, एक होटल, यहाँ पे नाम आप पढ़ लीजिए। इस होटल में आपको नहीं जाना है, ये देखिए मैंने दिखाया जो मैं आपको बता रहा हूँ, दादर टर्मिनल जहाँ से लिखा हुआ है वहाँ से आपको सीधा चलते हुए जाना है और आपको अपने लेफ्ट साइड का पहला रोड छोड़ना है। दूसरा रोड जो लेफ्ट साइड पकड़ना है उसका राइट साइड में आप देखिएगा वहाँ एक सीढ़ी है, जो दादर टर्मिनल का मेन जो सीढ़ी निकला हुआ है बैक साइड वाला, उस सीढ़ी के सीध में आपको चलना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सीढ़ी के सीध में जाना है। विंग बी बोलिएगा किसी को भी, विंग बी में जाना है तो ये रोड आपको बता देगा। और दादर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस है, मुश्किल से वहाँ से 2 से 3 मिनट का रास्ता है, एकदम आपको सीधा जाना है। जैसे मैंने बताया ब्लू कलर का लिखा हुआ दादर टर्मिनल जो गेट के ऊपर, वहाँ से आपको सीधा आना है, पहला लेफ्ट नहीं दूसरा लेफ्ट में लेफ्ट मारना है। और लेफ्ट मारने से पहले देखिएगा राइट साइड में एक सीढ़ी उतरा हुआ, वो जो है स्टेशन से उतरा है, वो सीढ़ी आपको दिखाई देना चाहिए, उसी सीढ़ी का सीध में आपको चलना है। और सीढ़ी का सीध में चलते हैं तो आपको ये विंग बी है, यहाँ पर चार लोगों का AC रूम जो है, मैंने डबल बेड लगा हुआ, दो बेड लगा हुआ जिसमें दो लोग आराम से एक बेड पर दो लोग रुक सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा 1500 में AC रूम। और नेट एंड क्लीन है, स्पेस अच्छा है, बाथरूम अटैच है, सारा कुछ जो कि हमने देखा, खुद भी मैंने उसमें रहा था। और यहाँ से आपको आना है वो सीढ़ी का ठीक सीधा से, जैसे राधा टर्मिनल से निकलने के बाद पहला नहीं दूसरा लेफ्ट में बता रहा हूँ, लेफ्ट का ठीक मारने से पहले आप राइट साइड देख लीजिएगा, सीढ़ी उतरा हुआ है, उसी का सीध में आपको आना है। और विंग बी में मुड़ना है आपको राइट साइड। ये देखिए अभी हम लोग राइट साइड मुड़ गए हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ, अगर इस रूम का नाम अगर किसी से पूछेंगे दादर स्टेशन के पास भी तो वो भी आपको कोई ना कोई बता देगा, ठीक है। तो 1500 रुपये पड़ेगा आपको, चार लोग इसमें आराम से रुक सकते हैं, चार लोग या तीन लोग रुकेंगे, डबल बेड मिलेगा यानी दो बेड मिलेगा, एक बेड पर दो आदमी रुक सकते हैं। और सिंगल बेड लेंगे यानी कि डबल बेड मतलब दो पर्सन रुकने वाला सिंगल बेड का, तो उसमें आपको 1000 में रूम मिल जाएगा। होटल का नाम यहाँ पे देख लीजिए, रूम टाइप का ही है, बहुत नेट एंड क्लीन है। अभी वीडियो के एंड में आपको ये भी दिखा देता हूँ किस तरह का रूम है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, करिश्मा बिल्डिंग विंग बी, बी विंग बोलेंगे तो आपको ये लोकेशन पता चल जाएगा। दादर स्टेशन का ठीक सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस है, 3 से 4 मिनट लगेगा आने में यहाँ तक, कोई ऑटो कुछ टैक्सी नहीं लेना है। और रूम का अंदर का देखिए, मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, पूरा बढ़िया से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, दो लोग इस बेड पे आराम से रुक सकते हैं। वीडियो में हो सकता है आपको पतला बेड लगे लेकिन बेड बड़ा है, ठीक है। और AC देखिए लगा हुआ है, बाथरूम भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ लास्ट। ये देखिए बाथरूम नीट एंड क्लीन है, इसमें नहाने के लिए वॉशरूम के लिए बना हुआ है। बस यही मैंने आपको दिखाया था। दादर स्टेशन अगर कभी जा रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, आप आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं 1500 रुपये में, चार लोग इसमें रुक सकते हैं। और अगर 1000 रुपये देंगे तो दो लोग इसमें रुक सकते हैं, इससे सस्ता होटल अगर आप खोजेंगे तो बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।